दादी, क्लास के बाद मिलती हूँ। हाय दामिनी, कैसी हो? बाय आदि, बाद में मिलती हूँ। क्यों परेशान कर रहा है उसको, जाने दे। और शाम को बुरा याद है ना तुम तीनों को? मिलेंगी शाम को, मिलेंगी। चलो मूर्ति तो छोड़ दे कम से कम। हेलो। हाँ दामिनी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज तुम दारू पी रहे हो? तुम्हें पता तो है मैं दारू को हाथ भी नहीं लगाता। तुम अपने दोस्तों के साथ में हो ना? अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय, लव यू। लगता है इश्क ज्यादा है। ऐसी बात नहीं है यार। अच्छा मेरा एक काम कर सकता है? नहीं। अच्छा बोल, क्या काम है तेरा? बोल। अरे तेरे लिए तो जान भी आ जा रहा है इन दोनों की। तू बोल। मुझे यार दामिनी को लेकर एक ऐसी जगह पर मिलना है जहाँ पर हम दोनों के सिवा कोई तीसरा ना हो, यहाँ पर हम दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। इस छोटे शहर में मिलना इम्पॉसिबल है। तेरे पास अगर कोई ऐसी जगह हो तो बता मुझे। इतनी सी बात? चल छोड़ना यार, अपना फार्म हाउस है ना, भूल गया क्या? उधर दो गाय दो बैल के अलावा तीसरा कोई नहीं। तू उधर जा, उसको लेके जा और एंजॉय कर। एंजॉय। थैंक यू यार। बैठो ना।
आदि, हम यहाँ क्यों आए हैं? पता है दामनी, तुम्हारे साथ शहर में कहीं टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ अकेले में। अच्छा दामनी, अपनी आंखें बंद करो। क्यों? पूछो मत, बस बंद करो। अच्छा अपनी आंखें खोलो। वाओ, ये तुम मेरे लिए लाए हो? नहीं, ये मैं अपने लेके आया हूँ। तो पहना भी दो। I love you, Dami. I love you too, Adi. क्या हुआ? आदि, मुझे यहाँ लग रहा है हमारे अलावा भी कोई और है। तुम्हारे मन का बहम है, यहाँ हम दोनों के अलावा तीसरा और कोई नहीं है। तुम इतना डरा मत करो, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। हम शहर से काफी दूर हैं। गोगा, ये इतनी रात को क्या भेज रहा है? आई लव यू दामनी। आई लव यू टू आदि। सूत्र का खिलाड़ी, साले इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, अपनी दोस्ती का ये सलाह दिया तूने मुझे। दामनी सही कहती थी, तू साले अस्तीन का सांप है। बोल, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? बोल। साले, तू करे फरारी की सवारी और हम चलाएं हाथ गाड़ी। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि चलती थी मेरी, जब वो तेरे साथ होती थी ना तब चलती थी मेरी। कितनी बार मैंने उसका पीछा किया, उसे तो एक ही रट लगी थी, आदि आदि आदि। और अब सुन, मैं हूं तुम दोनों की बर्बादी। चाहता क्या है? बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? पैसा? तुझे और दामनी को पैसों में तोल दूंगा मैं। तू चाहता क्या है? दामनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। गोगा भाई, बोलो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अरे यार, इतना मत सोच। तुझे वैसे भी कौन सी उसे शादी करनी थी? अपना बाप वैसे भी करोड़पति लौंडिया दिलवाई देगा। अपने दिन है यार मौज करने के। बस एक मुलाकात करा दे मेरे से, उसके बाद मैं तुझसे कभी कुछ नहीं बोलूंगा। क्या सोच रहा है? ज्यादा सोच मत आदि। तुझे बस उससे मिलना है ना, उसके बाद तू ये क्लिप डिलीट कर देगा ना।
अरे यार तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है? ले सद्दाम और हुसैन की कसम मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगा। तू ऐसा कर, कल उसको मिलने के लिए बुला ले। और सुन मेरा नाम मत लेना वरना वो आएगी नहीं। तू ये कहना कि मैं खुद आ रहा हूँ वहाँ, वो पुरानी कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है ना उसमें बुला लेना। अभी लगा तू उसे फोन, अभी लगा जल्दी, और फोन कराने के लिए जल्दी जल्दी लगा। हेलो दामिनी। हाँ दामिनी, मैं तुमसे कल मिलना चाहता हूँ। क्या हुआ? वो सब तुम्हें मैं फोन पे नहीं बता सकता। तुम कल पुरानी कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग पर आ जाना। ओके बाय। थैंक यू, नाउ गो। सालों का सपना पूरा होने जा रहा है। मजाक मत करो, बताओ आदि कहाँ है? आदि को बुलाओ। आदि, आदि, ये हमारा रचा हुआ खेल है, इसमें तो फंस गई। तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। I love you too, Adi. Adi, मुझे यहाँ लग रहा है हमारे अलावा भी कोई और है। यहाँ हम सब के अलावा और कोई नहीं, हम सेहत से काफी दूर। तुम्हारे मन का वहम है कि हम सब के अलावा तीसरा और कोई नहीं। कामसूत्र 2 वो फार्म हाउस भी मेरा था, ये रचाया हुआ खेल भी मेरा है। जब तुम लोग कामसूत्र में लीन थे ना, तब इसने वीडियो बना ली। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। प्लीज इसे डिलीट कर दो। दामिनी तुम रो मत, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। लेकिन लेकिन क्या? जो तुमने इसमें आदि के साथ किया ना, तो एक बार मेरे साथ भी करना होगा। आ,
क्या खराबी क्या है मुझमें? क्या खराबी है मुझमें? सिंह निकले हैं क्या मेरे? मैं क्या आदि से अच्छा नहीं लगता? बताओ ना, अब मान भी जाओ ना प्लीज। मार दो सानी को। देख दामनी, आदित्य सही लड़का नहीं है और उसके फ्रेंड्स भी अच्छे नहीं हैं। मेरे हिसाब से तुम्हें उसका साथ छोड़ देना चाहिए। अब आगे तुम्हारी मर्जी। बहुत आदि आदि कर रही थी, तुझे जिंदा छोड़ना मतलब हम चारों का फंसना, समझी? भाई बड़ा शालीन है। यो!